और आपको इस वक्त सीधे लिए चलते हैं राज्यसभा। सभापति महोदय, मैं सदन में स्पाईवेयर पेगासस के द्वारा, सभापति महोदय, इस स्टेटमेंट को पटल के सदन पे सदन में प्रथम माना जाए। माननीय यह असंसदीय परंपरा कृपया हम लोग न सुने। रिपोर्ट ले हो गई, जिस रिपोर्ट पर आप सब सुनना चाहते थे, जो महत्वपूर्ण मुद्दा आपके लिए था, ऑनरेबल चेयरमैन सर, उस मुद्दे पर आप ऑनरेबल चेयरमैन सर अवसर पा रहे हैं, पर आप उस पर बहस नहीं होने देना चाहते। ये कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? बिल्कुल सामने many over the top allegations have been made around this story. Honorable Chairman sir, the press reports have appeared a day before the monsoon session of parliament. This cannot be a coincidence, Honorable Chairman sir. In the past, similar claims were made regarding the use of Pegasus on WhatsApp. Those reports had no factual basis and were categorically denied by all parties, including the Supreme Court, including in the Supreme Court. The press reports of 18 July 2021 also appear to be an attempt to malign the Indian democracy and its well-established institutions. We cannot fault those who haven't read the story in detail, and I request all honorable members to examine the issues on facts and logic. Sir, with your permission, I may be allowed to lay the statement on the table. Minister Asmi Basmao ji has laid his statement. आप कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहते हैं। प्लीज प्लीज रिपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर श्री विवेक ठाकुर, रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस श्री नारायण गुप्ता। House stands adjourned to meet at 11 hours on Friday, 23rd July 2021. तो राज्यसभा शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है और आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव अपनी बात रख रहे थे, लेकिन विपक्ष ने वहां पर हंगामा शुरू कर दिया। और आगे बढ़ते हैं, पेगासस फोन जासूसी मामले में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अब यू टर्न ले लिया है। कंपनी ने कहा है कि मात्र कल्पना के आधार पर यह सूची बनाई गई थी। इस काल्पनिक सूची की मीडिया के एक वर्ग की विद्वेषपूर्ण कवरेज की चारों ओर आलोचना हो रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अब साफ रूप से कहा है कि उसने कभी भी सूची को एनएसओ पेगासस स्पाईवेयर सूची के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। हालांकि दुनिया के कुछ मीडिया हाउसेस ने ऐसा किया होगा। इससे पहले अमेरिकी खोजी पत्रकार किम जेटर ने खुलासा किया था कि एमनेस्टी ने कभी यह दावा नहीं किया ये एनएसओ सूची थी। एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजी इसराइल की एक टेक्नोलॉजी फर्म है जिसका पेगासस नाम का स्पाईवेयर स्मार्ट फोन की निगरानी करता है। और कैलकुलिस्ट के साथ एक साक्षात्कार में एनएसओ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेव हुलियो ने इनकार किया है कि उनके सॉफ्टवेयर का उपयोग दुर्भावनापूर्ण गतिविधि के लिए किया जा रहा था। उनके दावों के केंद्र में उन 50,000 फोन नंबरों की सूची है जिन पर जांच आधारित है। सूची के स्रोत का खुलासा नहीं किया गया है और हुलियो के अनुसार ये जांच के प्रकाशन से एक महीने पहले और पूरी तरह से अलग स्रोत से उनके पास पहुंचा। उन्होंने कहा कि लगभग एक महीने पहले हमें एक सूचना ब्रोकर से पहली बार मिली थी। हुलियो ने कैलकुलिस्ट को बताया, उन्होंने कहा कि बाजार में एक सूची चल रही है जो कोई भी इसे रखता है। वह कह रहा है कि साइप्रस में एनएसओ सर्वर हैक किया गया था और वहां लक्षित लोगों की एक है और हमें सावधान रहना चाहिए। हमने इसे देखा, हमारा साइप्रस में सर्वर नहीं है और इस प्रकार की सूचियां भी नहीं है और इसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। बाद में दो अलग अलग ग्राहकों द्वारा हमसे संपर्क किया गया और ब्रोकर उनके पास ये दावा करते हुए आए कि उनके पास एनएसओ से संबंधित एक सूची है। हमें अंततः उस सूची के कुछ स्क्रीनशॉट्स प्राप्त हुए जो ब्रोकर को पकड़ने में कामयाब रहे और इसके आधार पर हम समझ गए कि यह पेगासस सिस्टम की तरह नहीं दिखता है, यह कि हमारे लिए एक हेर फेर वाली सूची है। हमने इसे ग्राहकों के साथ देखा और ये धीरे धीरे हमारे लिए स्पष्ट हो गया कि ये एक HLR लुकअप सर्वर है और इसका NSO से कोई लेना देना नहीं है। हम समझ गए कि ये एक मजाक था। और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अरुण शर्मा ने। We know this fact that amnesty is now taking a U-turn. Why is it taking a U-turn?
why was it earlier claiming that this list was from NSO and the various governments are into snooping, and now it is saying that, you know, there is no list apparently that was released by the amnesty. Today suddenly a story appears in a trade journal called Technology News. Okay. And what it says essentially is that Amnesty International has issued a clarification, a statement saying that they have not, the list which has been released by them, the 50,000 global list of 50,000 names or telephone numbers, mm-hmm. that has not been sourced from the company. That it was a list generated by Amnesty International. So this is a list which was sort of conjured out of the hat. And then on the basis of that list, this entire story was spun around it, that these are the people who were snooped on or who were the potential targets of snooping. Then we are told 37 handsets using 37 of these numbers were allegedly tested in Amnesty's laboratory. Okay. Now, we don't know what is Amnesty's lab, where is it, I mean, what is what kind of a lab it is. And according to Amnesty International, the tests show that there are traces of snooping or possible attempt to snoop found on these 37 handsets. I mean, this whole thing is bizarre. First, it now stands demolished that this so-called list of 50,000 numbers lacks authenticity of any kind. Second is to expect the world to believe that just because Amnesty has come up with a collated list of numbers, which Amnesty International by its own admission believes are possible or potential targets of snooping, that the whole world should believe it as the gospel truth, that is rubbish. In past also, we have seen that how a fake agenda, fake narrative was created by Amnesty International. No, time has come primarily to boycott international institutions like Amnesty. And why primarily Amnesty International? Or you believe that there's certain hidden agenda? Well, Amnesty International is a dodgy organization. Internal memos, statements by people who have worked there, everything points to a very hazy organization which works to various kinds of agenda. So and it has a mile long history. No government in the world trusts Amnesty International. They have a subversive agenda, they have a disruptive agenda, they have an agenda to create disaffection against the state and legitimate elected representatives of the state. In India, action was initiated against the India chapter of Amnesty for financial fraud. What is the responsibility of media now? Because media, without fact checking, you know, are coming out with the stories that the data of Indians is not safe, the government is into snooping. But now it is clear Amnesty itself is now backing out. It's saying that government is not snooping. Media platforms in India, like The Wire, the manner in which they put out this report, the so-called Pegasus story. Yes. It shows very poor journalistic judgment. It shows an abysmal lack of integrity. It demonstrates a total absence of ethics. But what they did was they tried to be too clever by half. They kept on saying all this suggests that a government agency was using this software to possibly snoop on these people. It is a scandal. It is a scandal, and media should now take a pause
It should look within. It should consider why it went wrong, where it went wrong, and if its intention was not suspect, if its intention was honest, then it mm-hmm. should also bring about certain course correction. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हमने किसानों से नए कृषि कानूनों के संदर्भ में बात की है. किसानों को कृषि कानूनों के जिस भी प्रावधान में आपत्ति है वे हमें बताएं. सरकार आज भी खुले मन से किसानों के साथ चर्चा करने के लिए तैयार है. सारा देश इस बात का साक्षी है कि वो किसानों के हित में है, किसानों के लिए लाभप्रद है, किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं, उन्हें कानूनी शिकंजों से मुक्त करने वाले हैं. हमने तो पहले भी इस बात को कहा था कि कुल मिला के जो सरकार से बातचीत हुई है उसके आगे अगर उनका कोई प्रस्ताव है तो प्रस्ताव लेकर आएंगे तो हम चर्चा करेंगे. लोकसभा में विपक्षी दलों के हंगामे के बीच सदन ने एक बार फिर से 12 बजे तक और फिर 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया. 12 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही दूसरी बार शुरू हुई तो विपक्षी दल हंगामा करते हुए वेल में आ गए और तख्तियां दिखाने लगे. पीठासीन अध्यक्ष भर्तहरि महताब सदस्यों से लगातार अनुरोध करते रहे लेकिन विपक्षी दलों ने हंगामा जारी रखा. हंगामे के बीच केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतरदेशीय जलयान विधेयक 2021 पेश किया. इसी दौरान रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 भी पेश किया. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्षी सांसदों से अनुरोध किया कि सरकार सभी विषयों पर चर्चा के लिए तैयार है लेकिन विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा है. हम चर्चा करने के लिए तैयार है. बार बार ये बोलने के बाद भी प्रश्नकाल स्थगित करना, प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है, प्रश्नकाल सदस्यों का हक है, इट इज द राइट ऑफ द मेंबर. इन स्पाइट ऑफ दैट ये जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है. व्हेन गवर्नमेंट इज रेडी फॉर डिस्कशन, गवर्नमेंट इज रेडी टू रिस्पॉन्ड. ऐसे जो पूरा डिस्टर्ब करना माहौल का ये ठीक नहीं है. मैं फिर से अपील करता हूँ, गवर्नमेंट इज रेडी फॉर डिस्कशन. Kindly go back to your seat. On which subject you want to discussion, you please tell. This is what on record I want to tell first. वहीं राज्यसभा में भी विपक्ष ने भारी हंगामा जारी रखा जिसके चलते राज्यसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे और फिर कल तक के लिए स्थगित कर दी गई. बाद में हंगामा जारी रहने के कारण कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है. कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भास्कर अखबार के मालिकों के घर और संस्थान पर हुए आयकर विभाग के छापे का मुद्दा उठाया. वहीं कांग्रेस और टीएमसी सांसदों ने हंगामा करते हुए सदन के वेल में प्रवेश किया जिस पर राज्यसभा के सभापति ने नाराजगी जाहिर की. दोपहर 2 बजे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कथित फोन डेटा लीक पर राज्यसभा में बयान देने की कोशिश की लेकिन विपक्ष ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया. और देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. देश भर में 41,383 नए मामले सामने आए हैं. वहीं देश में अब तक 3,04,29,339 लोग ठीक हुए हैं. साथ ही देश में दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.41% हो गई है. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 41,383 नए दैनिक मामले दर्ज किए गए हैं. वहीं 38,652 लोग उपचार कराकर स्वस्थ हो चुके हैं. इसके बाद रिकवरी रेट बढ़कर 97.35% हो गई है. इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 409,394 है. और एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम यानी IDSP के हरियाणा की राज्य निगरानी इकाई इंसानों में बर्ड फ्लू के पहले मामले की जांच करेगी. राज्य के स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग के अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे. हरियाणा के गुरुग्राम में एक 11 साल के बच्चे में H5N1 का पहला मामला सामने आया था. दिल्ली के एम्स में जून 2021 में इस बच्चे का इलाज किया गया. बच्चे में बुखार, खांसी, कोरिजा और सांस लेने में कठिनाई के लक्षण देखे गए थे. बच्चे को 2 जुलाई 2021 को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था. इस बच्चे की मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन से 12 जुलाई 2021 को मृत्यु हो गई. बच्चे के परिजनों के साथ उसके रिश्तेदारों और परिचितों और आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की भी निगरानी की जा रही है. हालांकि किसी में भी कोई लक्षण नहीं पाया गया है. वहीं पशुपालन विभाग को इस क्षेत्र में बर्ड फ्लू का कोई संदिग्ध मामला नहीं मिला है और एहतियातन 10 किलोमीटर क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है.
आयकर विभाग ने आज मीडिया समूह दैनिक भास्कर के खिलाफ कथित टैक्स चोरी को लेकर कई शहरों में छापेमारी की है। विभाग ने कहा है कि भोपाल, जयपुर, अहमदाबाद और देश के कुछ अन्य स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। विभाग की टीम भोपाल के अरेरा कॉलोनी में स्थित भास्कर के चेयरमैन सुधीर अग्रवाल, गिरीश और पवन के घर और भास्कर के प्रमोटर्स के आवास पर भी पहुंची। इसके लिए टीम का सहयोग मध्य प्रदेश की पुलिस कर रही है। महाराष्ट्र के कोंकण, पश्चिमी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और खानदेश में लगातार बारिश हो रही है। ठाणे जिले में उल्हास नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। किनारे के सभी गांवों को अलर्ट पर कर दिया गया है। रुक्मणी नगर, बालाजी नगर इलाके के 200 परिवारों से संपर्क कट गया है। ठाणे के ही बदलापुर में भारी बारिश के कारण कई घरों में पानी घुस गया है। पुणे जाने वाली सभी लंबी दूरी की रेल और मालगाड़ियां फंसी हुई हैं। रत्नागिरी जिले में बारिश से चिपलून शहर जलमग्न हो गया है। एनडीआरएफ तटरक्षक दल के साथ हेलीकॉप्टर सहायता का समन्वय किया जा रहा है। मुंबई गोवा हाईवे, चिपलून कराड़ रोड को यातायात के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। वहीं कोल्हापुर जिले में भी भारी बरसात शुरू हो गई है और पंच गगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कोल्हापुर में एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात की गई हैं। महाराष्ट्र में 100 करोड़ के वसूली कांड में बॉम्बे हाईकोर्ट राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका पर आज अपना फैसला सुनाएगी। इस याचिका में देशमुख ने अपने खिलाफ सीबीआई की प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने देशमुख पर कम से कम 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। इसके आधार पर सीबीआई ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। इसी के बाद ईडी ने देशमुख और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि देशमुख ने मुंबई पुलिस के निलंबित सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे और मुंबई के बार और रेस्तरां से 1 महीने में 100 करोड़ रुपए से अधिक की रकम वसूलने को कहा था। हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इसमें हाईकोर्ट की एक अन्य पीठ ने सीबीआई को देशमुख के खिलाफ प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। देशमुख पर आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। और जल ही जीवन है, इस बात को हम सभी बखूबी जानते हैं, लेकिन इस जल रूपी जीवन को संजोकर और संभाल कर रखना सबके लिए बड़ी चुनौती है। बारिश के पानी का साल भर इस्तेमाल हो सके, इसके लिए गुजरात के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में अनोखे प्रयास किए जा रहे हैं। जमीनी हकीकत में इस बार रिपोर्ट गुजरात के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की। जवानों की शक्ति बढ़ाने के क्षेत्र में कार्यरत गुजरात स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जल शक्ति का महत्व भी जानता है। बारिश के मौसम में पानी को संग्रहित करने के लिए यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को खास तरह से डिजाइन किया गया है। बिल्डिंग के भूगर्भ में बड़े बड़े टैंक बनाए गए हैं, जहाँ छतों से गिरने वाला पानी संग्रहित होता है। विश्वविद्यालय की हर बिल्डिंग में 7 लाख लीटर के टैंक लगाए गए हैं। साथ ही कैंपस में ही बड़े बड़े कैनाल भी बनाए गए हैं, जहां पानी को संरक्षित किया जाता है। ग्राउंड वाटर बहुत नीचे है, सो हमारी ये कोशिश है कि जो रेन हार्वेस्टिंग है और जो नेचुरल पानी है रेन के थ्रू जो आता है हमारे पास, उसके थ्रू हम लैंड जो वाटर, लैंड का वाटर, उसको रिचार्ज करें। हमारे पास 4 वाटर बॉडीज हैं बड़ी वाली, और हमारे पास हर बिल्डिंग के ऊपर जो रेन का जो पानी होता है, बारिश का पानी, वो इकट्ठा होकर हमारे पास 4 बड़े टैंक हैं 7 लाख लीटर की कैपेसिटी के। उसमें हम पानी को इकट्ठा करते हैं और पूरे साल हम उस पानी को पीने के लिए यूज करते हैं। और जो हमारी 4 बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं, उसमें पूरा रेन का जो सरफेस वाटर होता है वो सारा हम उसमें इकट्ठा करते हैं, जिससे कि लैंड का जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे ऊपर आए। जब बड़े बड़े अभी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखें तो शायद हम अपने एनवायरनमेंट को बचाने में और सस्टेनेबिलिटी की तरफ अपने पूरे पर्यावरण को ले जाने में बहुत मदद कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी द्वारा न केवल इस पानी का संग्रह किया जाता है, बल्कि रोजाना के कई कार्यों में इस पानी का इस्तेमाल भी किया जाता है। बारिश के पानी का ज्यादा से ज्यादा संग्रह किया जाए और उसका सदुपयोग हो, यही इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य है। साथ ही विश्वविद्यालय आम लोगों से भी जल बचाने की अपील करता है। अहमदाबाद से लक्ष्मण राजपूत के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।
और आज ज़मीनी हकीकत में हम लेकर आए हैं मेघालय के उमित गांव के रहने वाले एक किसान किनशेव दबसुक की कहानी, जिन्होंने कोविड महामारी के इस मुश्किल दौर में खेती में आई चुनौतियों के बावजूद जैविक खेती को अपनाकर ना केवल फायदा उठाया बल्कि प्रसिद्धि भी कमाई। ये है मेघालय की रीभोई जिले के उमित गांव के रहने वाले किनशेव दबसुक। किनशेव दबसुक की कहानी एक ऐसे किसान की कहानी है जिसने कोविड काल की चुनौतियों के बावजूद जैविक खेती को अपनाकर मुश्किल परिस्थितियों में एक मिसाल कायम की है। मैं एक किसान हूं और जैविक मक्के की खेती करता हूं। ये काफी फायदेमंद है। इसका स्वाद भी आम मक्के की तुलना में ज्यादा मीठा और स्वादिष्ट है। किसान अब धीरे धीरे जैविक खेती की ओर रुख कर रहे हैं। किनशेव दबसुक इलाके में स्वीट कॉर्न किसान के नाम से मशहूर हैं। किनशेव को जैविक खेती की प्रेरणा अपने पूर्वजों से मिली। जैविक खेती हालांकि आधुनिक खेती की तुलना में थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन प्रकृति के नजदीक होने की वजह से लाभदायक भी है। दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया की मदद से किनशेव अपनी फसल की मार्केटिंग भी खुद ही करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ही वो अपने ग्राहकों से जुड़ते हैं और उन्हें अपनी फसल बेचकर मुनाफा कमाते हैं। जैविक खेती में नवीन प्रयोगों की वजह से किनशेव दबसुक इलाके में न केवल स्वीट कॉर्न किसान के रूप में मशहूर हुए अपितु उन्हें भारत सरकार की तरफ से 2019 में सम्मानित भी किया गया है। ऐसे में किनशेव दबसुक अन्य किसानों को भी नई राह दिखाते हैं जो जैविक खेती के जरिए लाभ कमाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, मेघालय। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश के कृषि वैज्ञानिकों की सराहना करते हुए कहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बीते 9 दशकों से अधिक के समय के दौरान देश में कृषि के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। ICAR के 93वें स्थापना दिवस आयोजित पर हाल ही में आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में कृषि मंत्री ने देश के कृषि वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों को कृषि विकास की रीढ़ बताते हुए उन्हें सम्मानित किया। पेश है उप यादव की रिपोर्ट। देश में हरित क्रांति लाने और उसके बाद कृषि क्षेत्र के सतत विकास में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। ICAR के 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में आयोजित कार्यक्रम में डिजिटल माध्यम से जुड़े देश के कृषि वैज्ञानिकों और किसानों को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में कृषि विकास की क्रांति लाने में ICAR का योगदान अतुलनीय रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपने 92 वर्ष की जो यात्रा पूर्ण की है यह पूरी तरह उनके जीवन के लिए भी उपलब्धियों से भरी है और देश को भी बहुत उपलब्धियां देने में ICAR का बड़ा योगदान रहा है। कार्यक्रम के बाद ICAR के महानिदेशक डॉ. त्रिलोचन महापात्रा ने कहा कि ICAR अपने गौरवशाली अतीत को ध्यान में रखते हुए आगे भी कृषि विकास के लिए काम करता रहेगा। देश को आत्मनिर्भर खाद्य शस्य में बनाने में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का योगदान जबरदस्त रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद लगातार इसके ऊपर काम करते हुए अब देश का उत्पादन खाद्य शस्य में बहुत हो चुका है, आत्मनिर्भर हैं, हम निर्यात कर रहे हैं। इस अवसर पर ICAR के उप महानिदेशक डॉक्टर RC अग्रवाल को भी उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। हर एक का ये ड्रीम रहता है कि ये अवार्ड मिले और मुझे सोशल साइंस का डिग्री में दिया गया है जो मैंने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज फार्मर साइट्स अथॉरिटी में कार्य किया किसानों के लिए, जो मैंने नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज में सॉफ्टवेयर्स में काम किया, जो सॉफ्टवेयर्स हमारे जो भी जैव विविधता है उसका जो भी मैंने रिट्रीवल सिस्टम बनाया उसके लिए, उस काम को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये अवार्ड मुझे दिया गया है। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त शासी संस्था है।
रॉयल कमीशन की कृषि पर रिपोर्ट के अनुसरण में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत और 16 जुलाई 1929 को स्थापित इस सोसाइटी का पहले नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च था। आज ये संस्था भारतवर्ष में कृषि शिक्षा, शोध और अनुसंधान सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए देश और दुनिया में विख्यात है। कृषि शिक्षा, शोध और अनुसंधान के मामले में बीते 9 दशक से भी अधिक समय से देश की सेवा में कार्यरत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 93वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर ने कृषि अध्येताओं, शोधार्थियों, वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों को न केवल सम्मानित किया बल्कि उनके उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करते हुए राष्ट्र विकास में उनके योगदान को सराहा। निश्चित तौर पर ICAR की इस पहल से न केवल देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के जरिए एक नए भारत की संकल्पना को संकल्पित और साकारित करने का महत्वपूर्ण काम भी होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन अनिल के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। चीन में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से अब तक 25 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 12 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र झोंगझोंग शहर है और हेनान प्रांत है। ये दोनों चीन के सबसे ज्यादा आबादी वाले इलाके हैं। चीन के मौसम विभाग के अनुसार प्रशांत महासागर में एक उच्च दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जिसके कारण तूफान इंफा ने तेज हवाओं, बादलों और बारिश के साथ झोंगझोंग शहर को प्रभावित किया है। झोंगझोंग के हवाई अड्डे पर आने जाने वाली 260 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। स्थानीय रेलवे अधिकारियों ने भी कुछ ट्रेनों को रोक दिया है या उनके समय में परिवर्तन किया है। अधिकारियों ने सभी स्तर के प्राधिकारियों को राहत बलों को तैनात करने, प्रभावितों को आवास मुहैया कराने, आपदाओं को रोकने और जान और माल का नुकसान कम से कम रखने का आदेश दिया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बाढ़ से मरने वाले लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस मामलों की कुल संख्या 19 करोड़ 27 लाख के पार हो चुकी है जबकि 41 हजार से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक 17 करोड़ 53 लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। दुनिया में सबसे अधिक 3 करोड़ 51 लाख मामले और 6,25,000 से ज्यादा मौतों के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। ग्रीस की राजधानी एथेंस में बच्चों के कोरोना वायरस टीकाकरण के खिलाफ प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुईं। लगभग 1500 प्रदर्शनकारी एथेंस संसद के बाहर कोरोना वायरस टीकाकरण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस द्वारा आंसू गैस छोड़ने से पहले प्रदर्शनकारियों और पुलिस अधिकारियों के बीच मारपीट भी हुई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पोस्टर ले रखा था जिसमें उन्होंने लिखा था, हमारे बच्चों से दूर रहें। ग्रीस के कोविड टीकाकरण अभियान के खिलाफ एक सप्ताह में ये दूसरी रैली है। इस महीने बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध कराने के सरकार के फैसले के मद्देनजर ये रैली निकाली गई। और ईरान में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। महामारी के बढ़ते प्रकोप के चलते तेहरान और आसपास के क्षेत्रों में सप्ताह भर के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। तेहरान और इसके पड़ोसी प्रांत एल्ब्रोज में सभी बाजार, सार्वजनिक कार्यालय, सिनेमाघर, जिम और रेस्तरां आदि बंद रहेंगे। देश में 5वीं बार लॉकडाउन लागू किया गया है। ईरान की सरकार ने डेल्टा वेरियंट के खतरे को देखते हुए कोरोना वायरस की नई लहर की चेतावनी दी थी। वहीं ब्रिटेन में गर्मी का कहर जारी है। बुधवार को ब्रिटेन के कई हिस्सों में तापमान 30 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार इससे पहले 1976 में 31 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। वहीं इस साल मई में 25 डिग्री तापमान पहुंचा था जो साल का सबसे गर्म दिन था। अचानक बढ़ी गर्मी के कारण लाखों लोग समुद्री किनारों का रुख कर रहे हैं। और हॉलीवुड के पूर्व निर्माता हार्वे वेंस्टीन ने कल दूसरे मुकदमे से पहले लॉस एंजलिस में 5 महिलाओं से जुड़े बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों में खुद को निर्दोष बताया है। 69 वर्षीय वेंस्टीन न्यूयॉर्क से प्रत्यर्पित होने के बाद पहली बार पेश होने के लिए लॉस एंजलिस सुपीरियर कोर्ट पहुंचे थे जहां वह बलात्कार और अन्य यौन अपराधों के लिए 23 साल जेल की सजा काट रहे हैं। विंस्टीन ने किसी के साथ बिना सहमति के यौन संबंध बनाने से इनकार किया है। लॉस एंजलिस में उन्हें 2004 से 2013 के बीच 5 महिलाओं
महिलाओं पर हमला करने के 11 आरोपों का सामना करना है। अगर उन्हें दोषी ठहराया जाता है तो विंस्टीन अपना शेष जीवन जेल में बिताएंगे। और नासा के वैज्ञानिकों ने बताया है कि उसका मार्स रोवर परसिवरेंस लाल ग्रह पर प्राचीन जीवन के संकेतों के लिए अपनी ऐतिहासिक खोज शुरू ही करने वाला है। रोवर अपने विभिन्न परिष्कृत उपकरणों के साथ परीक्षण और अभ्यास करने के लिए सप्ताह में 7 दिन काम कर रहा है और मिट्टी लेना शुरू कर देगा। जेजेरो क्रेटर से जल्द ही नमूने लेना शुरू कर दिया जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कभी 40 किलोमीटर चौड़ी झील थी और संभवतः सूखी मिट्टी से ढकी हुई थी, जो संभावित आदिम जीवन का सबूत हो सकती है। रोवर के उपकरण से पता चला है कि क्रेटर में मिट्टी है जो केवल पानी की उपस्थिति से बनती है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रयोग भविष्य के मिशनों को मानव अंतरिक्ष यात्रियों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करने में मदद करेगा। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सांसों में छिपा है ये, पुरखों की कृपा है ये, दिखलाएगा रास्ता हठ योगानुशासन। दुनिया में प्रसिद्ध जो अपने आप सिद्ध जो रखना इस पे आस था हठ योगानुशासन। योगारंभ हो योगारंभ हो योगारंभ हो योगारंभ हो। विश्व को भेंट दी हमने योग है, योगारंभ हो योगारंभ हो। जो सुलझा दे योगानुशासनम हठ योगानुशासनम। भारत ने ही योग सिखाया, जग में फैलाया, विश्व ने अपनाया, नियंत्रण आया रोग पे। विश्व ने जैसे है पाया जो अधिकार ये, अब आरोग्य पे है सब हो पाया योग से। योगारंभ हो योगारंभ हो। ये शरीर और मन का संजोग है, योगारंभ हो योगारंभ हो। जो सुलझा दे जीवन को वो योग है, जो सुलझा दे जीवन को वो योग है।
ब्रेक के बाद स्वागत है। कल से ओलंपिक खेलों का आगाज होने जा रहा है। खेल मंत्री ने हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो से खास बात करते हुए कहा है कि खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए सभी लोग साथ आएं और टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीटों को चीयर करें। केंद्रीय मंत्री ने गो फॉर इंडिया पंच के साथ आज भारतीय टीम को अपनी मुबारकबाद पेश की है, उनको चीयर अप किया है और इसमें उन्होंने बाकी पार्टियों को भी बुलाया कि आप भी हमें ज्वाइन कीजिए, इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, कितना आप खुश फील कर रहे हैं, आपने सबको बहुत चीयर अप करने के लिए बोला है। देखिए, देश के खिलाड़ियों के लिए भारत की पूरी संसद, सभी सांसद और देश का हर नागरिक एकजुट है। वो चाहते हैं हमारे खिलाड़ी अच्छा करें, तिरंगे का मान सम्मान बढ़े और इसके लिए किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, सब इकट्ठे आए खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए अच्छे। और हमने भी अनुरोध किया है कि सब पांच पांच लोगों को टैग करें, अपने वीडियोस विक्ट्री पंच के बनाएं और चीयर फॉर इंडिया कैंपेन में साथ में जुड़े हैं। तो आपने देखा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक्स की बात है, देश की बात है, हम सबको बुलाकर एक साथ खड़े होना है, पांच पांच लोगों को आप टैग करें और गो फॉर इंडिया, डू वेल इंडिया के नारे के साथ इन्होंने अपना पंच दिया है। कैमरामैन आरके के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज दिल्ली। ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई जारी है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि इस बार भारतीय एथलीट टोक्यो ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करने में सफल होंगे क्योंकि एथलीटों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है और ओलंपिक में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल ओलंपिक जा रहा है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, ओलंपिक शुरू हो रहा है और खुद आईबी मिनिस्टर ने विक्ट्री पंच कैंपेन की शुरुआत की है। ओलंपिक्स बहुत अच्छी तरह से होंगे मुझे उम्मीद है और भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, ये भी हमारा शुभकामनाएं के साथ साथ उम्मीद भी है। और पूरा भारतवर्ष इस बार चेयर इंडिया इस नारे के साथ में सपोर्ट भी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारे खिलाड़ियों में जोश और तैयारी दोनों बहुत अच्छी तरह से हर खिलाड़ी में बढ़ा हुआ है। मुझे लगता है कि इस बार भारत का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा टोक्यो ओलंपिक्स में। मेडल मिले ना मिले वो एक विषय होता है, लेकिन परफॉर्मेंस टॉप का रहेगा। एक बड़ी टीम गई है टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत की तरफ से, क्योंकि इस बार तैयारी जितने भी किए हैं वो पूर्व में जितने भी ओलंपिक्स गेम हुए हैं आज तक सबसे बड़ा और सबसे अच्छी तरीके से तैयारी इस बार हुई है। तो इस बार की जो तैयारी है इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ किरण रिजिजू जी, जिन्हों का कहना है कि इस बार भारत का बेहतरीन दल ओलंपिक के लिए गया है और उन्हें उम्मीद है कि इस बार भारतीय दल ज़्यादा से ज़्यादा पदक जीत के लाएगा। नीरज सिंह, डीडी न्यूज दिल्ली। शुक्रवार से खेलों की सबसे बड़ी प्रतियोगिता टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत होने जा रही है। दूरदर्शन के चैनल डीडी स्पोर्ट्स पर हर रोज इसका सीधा प्रसारण होगा। वहीं दूरदर्शन के अन्य चैनल्स और आकाशवाणी पर भी इन वैश्विक खेलों के आयोजन पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। बुधवार को इस बात की जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दी। इन खेलों से जुड़ा प्रसारण ओलंपिक से पूर्व से शुरू होकर उसके बाद तक जारी रहेगा और सार्वजनिक प्रसारक के टेलीविजन, रेडियो और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देश भर में उपलब्ध होगा। और ओलंपिक में विभिन्न खेल आयोजनों का डीडी स्पोर्ट्स पर रोजाना सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसका विवरण हर दिन डीडी स्पोर्ट्स और एआईआर स्पोर्ट्स के ट्विटर हैंडल पर उपलब्ध कराया जाएगा। ओलंपिक के ऊपर डीडी स्पोर्ट्स पर रोजाना कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। रात 8:30 पर इंडिया एट टोक्यो, रात 9 बजे ओलंपिक हाईलाइट्स और रात 9:30 पर ओलंपिक स्टेट जोन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा डीडी न्यूज और डीडी इंडिया पर ओलंपिक के मद्देनजर रोजाना कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। डीडी न्यूज पर सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे, शनिवार शाम 5 बजे विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके अलावा ब्रेकफास्ट न्यूज, मिड डे प्राइम और न्यूज नाइट में ओलंपिक के खास सेगमेंट भी होंगे। वहीं डीडी इंडिया पर रोज रात 8:30 विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा ब्रेकफास्ट न्यूज, मिड डे प्राइम और न्यूज नाइट में टोक्यो ओलंपिक से जुड़े खास सेगमेंट रखे गए।
ओलंपिक में भारत ने हॉकी के बाद अगर किसी खेल में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं तो वो कुश्ती है। इस खेल में भारतीय पहलवानों ने अब तक 5 पदक अपने नाम किए हैं। इस बार 7 भारतीय पहलवान टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने के लिए उतरेंगे, लेकिन इससे पहले किन किन भारतीय पहलवानों ने ओलंपिक में पदक जीता है और कैसा रहा है देश का कुश्ती में ओलंपिक में सफर, जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय पहलवानी के बढ़ते कदम, दांव पेच से भरते जीत का दम, अब टोक्यो में दिखेगा 7 हिंदुस्तानियों का दमखम। 23 जुलाई से शुरू हो रहे टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पहलवानी का दमदार इतिहास। इस बार 7 उम्मीदवारों से जीत का परचम लहराने की उम्मीद रखेगा। इस बार ओलंपिक में भारत की ओर से 3 पुरुष पहलवान और 4 महिला पहलवान अपने दांव पेच से संघर्ष की तस्वीर में जीत का रंग भरते दिखेंगे। पुरुष वर्ग में बात करें तो 65 किलोग्राम भार वर्ग में सबसे बड़ा नाम बजरंग पूनिया का होगा, जो इस बार पूरी लय में है। वहीं 57 किलोग्राम भार वर्ग में रवि दहिया तो 86 किलोग्राम भार वर्ग में दीपक पूनिया मैट पर होंगे। महिला वर्ग की बात करें तो यहां पदक जीतने की सबसे प्रबल उम्मीद का नाम दिनेश फोगाट है, जो 53 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय चुनौती पेश करेंगी। विनेश के अलावा 50 किलोग्राम भार वर्ग में सीमा बिस्ला, 57 किलोग्राम भार वर्ग में अंशु मलिक और 62 किलोग्राम भार वर्ग में सोनम मलिक हैं, जिन पर पदक जीतने की जिम्मेदारी होगी। ओलंपिक में भारतीय कुश्ती। भारत ने पहली बार एंटवर्प ओलंपिक खेल 1920 में 2 पहलवानों को उतारा था। इसके बाद 1924, 1928, 1932 और 1976 के ओलंपिक खेल ऐसे रहे जिनमें भारत ने कुश्ती में हिस्सा नहीं लिया। भारतीय कुश्ती के इतिहास में 23 जुलाई 1952 का दिन खास है, क्योंकि इसी दिन केडी जाधव ने हेलसिंकी ओलंपिक में बैंटम वेट में कांस्य पदक जीता था। इसके 56 साल बाद बीजिंग ओलंपिक में साल 2008 में सुशील कुमार ने कुश्ती में भारत को पदक दिलाया, लेकिन पदक जीतने के इस कारवां ने साल 2012 में नई ऊंचाइयों को छुआ, जब लंदन ओलंपिक में पहलवान सुशील कुमार ने ही रजत पदक और जोगेश्वर दत्त ने कांस्य पदक जीत भारतीय कुश्ती के चेहरे को बदल दिया। वहीं साल 2016 के रियो ओलंपिक में कुश्ती से सिर्फ 1 पदक साक्षी मलिक ने दिलाया, जिन्होंने कांस्य पदक जीता। कुल मिलाकर 2008 से भारत लगातार ओलंपिक में कुश्ती से पदक जीतता आ रहा है और इस बार इस खेल से पदक जीतने की उम्मीद की डोर पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ बनी दिख रही है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो भारतीय पहलवानों से टोक्यो में भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी और टोक्यो ओलंपिक की घुड़सवारी स्पर्धा में भारत की उम्मीदें फवाद मिर्जा पर टिकी हैं। वे 20 साल बाद ओलंपिक टिकट हासिल करने वाले भारतीय घुड़सवार हैं। फवाद ने इवेंटिंग स्पर्धा में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, जिसे घुड़सवारी ट्रायथलॉन के तौर पर जाना जाता है। साल 2018 के एशियाई खेलों में उन्होंने 2 रजत पदक अपने नाम किए थे। कॉनकोर्स कंप्लीट इंटरनेशनल पोलैंड में डबल मेडल। 2019 कॉनकोर्स कंप्लीट इंटरनेशनल पोलैंड में गोल्ड। 2018 एशियन गेम्स मेडलिस्ट। यंग इंडिया की इंस्पिरेशन और ओलंपिक्स में टीम इंडिया की शान। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। प्रधानमंत्री जी के इसी आवाहन और देश के युवाओं में खेल के प्रति नई आकांक्षाओं के प्रतिनिधि हैं अर्जुन अवार्डी इक्वेस्ट्रियन फवाद मिर्जा। बेंगलुरु में पैदा हुए फवाद सिर्फ 6 महीने की उम्र में पहली बार अपने पिता के साथ घोड़े पर सवार हुए। It is the only sport today that involves another being. I did it because I loved horses. I really enjoy working with the horses as much as I enjoy the competition. बड़े होकर उन्होंने कुछ इस तरह से घोड़े की लगाम अपने हाथ में ली कि दुनिया हैरान रह गई।
फवाद ने पोलैंड में आयोजित CCI4 लॉन्ग इवेंटिंग कंपटीशन में मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए अपने लिए टोक्यो ओलंपिक्स का कोटा सुनिश्चित किया। I've been very fortunate to be sponsored by government of India and I have to go out there and give it my absolute best and which I will do. अर्जुन अवार्डी फवाद मिर्जा जैसे खिलाड़ी न्यू इंडिया के युवा उत्साह, जोश और कौशल का जीता जागता प्रतीक हैं और हैं 130 करोड़ भारतीयों की ओलंपिक्स की आशा। किसी भी खिलाड़ी के लिए ओलंपिक में खेलना सबसे बड़ा सपना होता है। ऐसा ही एक सपना देखा था उत्तर प्रदेश के मेरठ में रहने वाली पैदल चाल एथलीट प्रियंका गोस्वामी ने। कमजोर आर्थिक स्थिति और कड़े परिश्रम की बदौलत प्रियंका ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में कामयाबी हासिल की है। प्रियंका ने 2015 में रेस वॉकिंग की दुनिया में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर कदम रखा। 2017 में नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। Times National Race Walk Champion, Women's 20 Kilometers Race Walk में National Record Holder, Tokyo Olympics में भारत की सशक्त प्रतिनिधि। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। प्रधानमंत्री जी के इसी आह्वान से प्रेरित होकर अपनी हर कोशिश में पूरी तन्मयता से जुड़ी हैं प्रियंका गोस्वामी। मेरठ के एक स्कूल में जिम्नास्टिक से अपनी शुरुआत करने वाली प्रियंका ने 2016 में अपना इंटरनेशनल रेस वॉकिंग करियर आरंभ किया। जब मैंने रेस वॉकिंग शुरू किया तो उस टाइम मेरे मेडल आने लगे, तो मुझे उससे बहुत मोटिवेट मिला कि हाँ, मैं अब रेस वॉकिंग में अच्छा कर सकती हूँ, और हार्ड वर्क करने लगी मैं उसके बाद। भारत सरकार के सहयोग से वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग लेते हुए प्रियंका ने 2021 की नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप रांची में 1:28:45 का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए टोक्यो ओलंपिक्स के लिए अपनी भागीदारी भी पक्की कर ली। गवर्नमेंट का तो हमें काफ़ी सपोर्ट है, हमें यहाँ पे डाइट का बहुत अच्छा मिल रहा है। जो भी हमें एक प्लेयर को नीड होती है, तुरंत हमें उसकी हेल्प मिलती है। और आई होप कि जो देश की उम्मीदें मेरे से है, मैं उसको भी पूरा करती हूँ। खेल के प्रति अपनी लगन, विश्वास और अपनी उपलब्धियों के साथ रेस वॉकिंग की दुनिया में भारत को एक नई पहचान दिलाने वाली प्रियंका गोस्वामी है 130 करोड़ भारतीयों की ओलंपिक्स की आशा। साल 2032 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया का शहर ब्रिस्बेन करेगा। इस बात की जानकारी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने दी है। ये तीसरी बार है जब ऑस्ट्रेलिया खेल के महाकुंभ ओलंपिक की मेजबानी करता दिखेगा। The International Olympic Committee has the honor to announce that the games of the 35th Olympiad are awarded to Brisbane, Australia. ऑस्ट्रेलिया का ब्रिस्बेन शहर 2032 के ओलंपिक खेल की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने बुधवार को ब्रिस्बेन को 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी का अधिकार दिया। इस खबर के आते ही ऑस्ट्रेलिया के लोगों में खुशी का सैलाब उमड़ पड़ा और लोगों ने एक दूसरे से गले मिल और नाच गाकर इस खुशी को स्वीकार किया।
देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लिए भी उत्साह का समय है, क्योंकि अब हम ब्रिस्बेन के साथ मिलकर काम करेंगे। वो एक ऐसे मेजबान हैं जो कि पूरी तरह से हमारे बदलाव के साथ अपने आप को साथ बैठाने में कामयाब रहे हैं। ये अब एक ऐसा प्रोजेक्ट रहेगा जो कि इस खेल प्रेमी देश के लिए बहुत कामयाब रहने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के लोग ओलंपिक गेम्स की मेजबानी पाकर काफी खुश हैं। ऑस्ट्रेलिया में 32 साल बाद इन खेलों की वापसी होगी। ये तीसरी मर्तबा है जब ऑस्ट्रेलिया इन खेलों की मेजबानी करेगा। इससे पहले साल 1956 में ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में इसकी मेजबानी हुई थी, जबकि साल 2000 में सिडनी में ओलंपिक खेलों की मेजबानी की गई थी। ब्रिस्बेन ही पैरालंपिक खेलों की भी मेजबानी करेगा। साल 2024 में ओलंपिक खेल पेरिस में आयोजित होंगे, जबकि 2028 में लॉस एंजलिस में ये खेल आयोजित किए जाएंगे। तो इस समाचार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कोविड संक्रमण से बचने के लिए कोविड से संबंधित सभी सावधानियों का आप पालन करते रहें। बाहर जब भी निकलें तो मास्क जरूर पहनें, हाथ को धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। उसके साथ ही ओलंपिक का कल से आगाज हो रहा है, तो अपने एथलीटों का, अपने खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ाते रहें। फिलहाल हमें दीजिए आज्ञा, नमस्कार।